हेलो एवरीवन, आज हम अगेन शुरू करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। और उसमें हमने पेपर स्टार्ट किया आपका फर्स्ट अलजेब्रा में हम लोग चैप्टर कर रहे हैं होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड नॉर्मल सबग्रुप। और हम लोग आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया गया था, उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है, काफ़ी लेक्चर हो गए हैं, परम्यूटेशन ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर ग्रुप, ठीक है, काफ़ी लेक्चर हो गया है एमसीक्यू बेस पे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट जी बी ग्रुप, देन द आइडेंटिटी जी टू जी, यानी आइडेंटिटी ही मैपिंग है, जी से जी पे मैपिंग हो रहा है, इज गिवन बाई आई ए बराबर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी इज, क्या होगा। पहला ऑप्शन होमोमॉर्फिज्म एंड कर्नल ऑफ आई में आइडेंटिटी होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, कर्नल में आइडेंटिटी नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बताया भी गया था पिछले लेक्चर में कि उसके जो इमेज खुद बन रहा है आइडेंटिटी मैपिंग है, तो वो होमोमॉर्फिज्म होगा और कर्नल ऑफ एफ में जो है उसकी आइडेंटिटी होगी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। लेट कैपिटल आर द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर एंड आर प्लस बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। देन एफ सच डेट आर टू आर प्लस डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी हमारे पास एक मैपिंग दिया गया है आर से आर प्लस तक। तो आर एक हमारा ग्रुप है जो एडिशन के एस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, और आर प्लस जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। वो मैपिंग डिफाइन होने के बाद यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स हमारा फंक्शन दिया गया है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है क्या होगा इसमें, तो इसमें जो है ये होमोमॉर्फिज्म भी बनेगा, ये वन वन भी बनेगा, ये आन टू भी बनेगा। तो जब तीनों हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे इसको प्रूव करना है, आप वन वन आन टू बेसिकली आप क्लास 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं, वन वन आन टू उसको आप दिखाई लेंगे। ये आप डोमेन पता चल गया कि सर आप रियल नंबर है और यहाँ पर क्या आप सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि आइसोमॉर्फिज्म होगा और आर आइसोमॉर्फिक होगा किसके, आर प्लस के। इसमें रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द मैपिंग जी से जी पे मैपिंग हो रहा है, यानी कोई ग्रुप जी है उसी पे इटसेल्फ मैपिंग हो रहा है। फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी इज आइसोमॉर्फिक इफ एंड वनली इफ। समझ में आया क्वेश्चन, कोई मैपिंग है जी से जी पे ही मैपिंग हो रहा है और फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, एक्स बिलोंग्स टू जी इज आइसोमॉर्फिज्म। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब ये अवेलियन होगा, क्या होगा अवेलियन होगा तभी ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, नॉन अवेलियन होगा तो नहीं होगा, ग्रुप फॉर्म करेगा ही नहीं और यहाँ से नॉन ऑब्वियस होगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई भी ग्रुप जी से यानी उसका इटसेल्फ मैपिंग हो रहा है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स डिफाइंड है, तो वो आइसोमॉर्फिक तब होगा जब जी क्या होगा अवेलियन होगा। ये मतलब दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है कि अगर लेट या सच डे जी टू जी डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड एच डैश बी सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी डैश, यानी फंक्शन क्या हमारे पास डिफाइंड है, जी से लेके जी डैश तक फंक्शन डिफाइंड है, इसका सब ग्रुप एच है और इसका सब ग्रुप क्या है, एच डैश है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी या फिर इनवर्स एच इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश, तीसरा कह रहा है एफ एच एंड एफ इनवर्स एच आर सब ग्रुप ऑफ जी डैश एंड जी रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें जो है कहाँ, ये सी ही करेक्ट होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, यानी जो एफ एच होगा यानी जो इसका इमेज होगा वो किसका सब ग्रुप बनाएगा, जी डैश का बनाएगा, ठीक। और जो इसका सब ग्रुप होगा यानी जो एफ इनवर्स एच का जो सब ग्रुप होगा वो किसका सब ग्रुप होगा, जी का होगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब यहाँ जी से जी पे मैपिंग होता है और एफ जी की जो इमेज होगा, हाँ वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसके, जी डैश के, ठीक है। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन इस तरह का आया था, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लगाने वाला है, स्टेटमेंट है, अब बस आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए तो कोई इसमें कोई समस्या नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कि लेट जी जेड प्लस बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर एंड टू जेड प्लस एडिटिव ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर देन मैपिंग एफ सच डैट जेड से टू जेड गिवेन बाई एफ एम इजकल टू टू एम फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू जेड, यानी हमारे पास एक जेड है सेट ऑफ इंटीजर जो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, पहला इंफॉर्मेशन ये हमारा क्या है, जी है। और दूसरा इंफॉर्मेशन है कि अगर जेड में टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा, तो वो भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है जो जी डैश है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है एफ एम इजकल टू टू एम, तो इसको पूछ रहा है कि क्या होगा, ये ऑब्वियस है, यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे, डिस्टिंक एलिमेंट लेंगे तो यहाँ भी डिस्टिंक बनेगा, तो ये 1 1 एंड 2 तो होगा। और होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए यहाँ से दो एलिमेंट ले लीजिए यहाँ से एफ प्लस एम प्लस एन ले लीजिए, तो जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी 2m + 2n आ जाएगा, और ये भी इसका भी ऑपरेशन क्या है, एडिशन ही है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा और प्लस 2n हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये होमोमॉर्फिज्म भी होगा, 1 1 एंड 2 भी होगा, और जब होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड 2 हो जाएगा तो ऑब्वियस है वो आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा, इसीलिए आल ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बी सी ए ये सब क्या है, इनकरेक्ट हैं, लेकिन ये सब सारे क्या हैं, ट्रू हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 21, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ तक, जेड से जेड एन तक, यानी यहाँ पर ये इनफाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर होगा जेड और यहाँ पे फाइनाइट सेट जेड एन होगा, तो उसका होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो उसका होमोमॉर्फिज्म एग्जैक्टली क्या होगा, एन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल समझ लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 22 को, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जेड से लेके जेड फोर पूछा जा रहा है मान लीजिए आपसे, तो बाई दिस डेफिनेशन, अब प्रूफ वगैरह इसमें हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमसे भी क्वेश्चन पे पैटर्न एग्जाम पे हो रहा है, तो मान लीजिए कि प्रूफ बताएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर एन के जगह पर क्या है, 4 है, तो जब भी कोडोमेन में जो भी यहाँ पर फाइनाइट सेट होगा वही उसका होमोमॉर्फिज्म हो जाता है, तो बाय दिस इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली 4 होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं।
तो 23 पे आते हैं। 23 में क्या कहा जा रहा है, 23 में कहा जा रहा नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए उल्टा हो गया, अब ZN से Z पूछ रहा है, फाइनाइट सेट से इनफाइनाइट सेट पे, ठीक है। तो इसका एग्जैक्टली हमेशा क्या बनेगा, वन होमोमॉर्फिज्म बनेगा, एग्जैक्टली क्या बनेगा, वन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म Z5 से लेके कहाँ तक, Z तक। तो इसका बाय दिस क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 5 हो या 10 हो 100 हो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, इससे यानी ZN से लेके Z तक हमेशा होमोमॉर्फिज्म जो है एग्जैक्टली वन बनता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, 25 में क्या कह रहा है, अ मैपिंग एफ सच डेट G2G' इज कॉल ऑटोमॉर्फिज्म इफ एफ इज एफ। अगर यहाँ से मैपिंग हो रहा है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म कब होता है, एफ को क्या क्या होना पड़ेगा, ये आपको होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा, वन वन होना पड़ेगा, आंटू होना पड़ेगा, इसीलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, जी इज इक्वल टू यहाँ पर आपको एक फाइनाइट ग्रुप दिया गया है जिसके चार एलिमेंट हैं, 1-1 आयटा माइनस आयटा, बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है, एंड G' हमने ले लिया है 0, 1, 2, 3, ये क्या है Z4 है, क्या है इसके पास चार एलिमेंट हैं तो Z4 हो जाएगा, बी एडिटिव ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4, ठीक है। देन G and G' R, तो इसमें कह रहा है कि ये दोनों ग्रुप, पहला G है G जिस मल्टीप्लिकेशन के स्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा, और दूसरा दिया है कि Z4 है वो, तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा, 1, 1, 2 भी होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, इसलिए सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ABC क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है द मैपिंग एफ सच जेड टू टू जेड इज गिवन बाय एफ एम इजकल टू टू एम एफ इज, ये क्वेश्चन तो हमने किया है, इसका आइसोमॉर्फिज्म ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इफ जी इज अवेलियन ग्रुप देन मैपिंग जी एफ सच डेट जी टू जी, पहले ही कह दिया गया है कि जी अवेलियन ग्रुप है और इटसेल्फ उसका मैपिंग हो रहा है, डिफाइन एक्स के पावर 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज, ये होमोमॉर्फिज्म हमेशा बनता है, यहाँ पर एन होगा तभी भी क्या होगा होमोमॉर्फिज्म बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ 5 के जगह पे 6 हो 4 हो 10 हो कुछ भी दिया हो तो आप समझिएगा कि ये होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन है, अब ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा। थ्योरम है ये कि कोई अवेलियन ग्रुप है और उसका अवेलियन ग्रुप जी से जी पे मैपिंग हो रही है और यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन दिया हुआ है और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है जी से, तो वो ऑलवेज होमोमॉर्फिज्म बनाता है, ठीक है। हो सकता है इसके 5 पे जगह पे चेंज करके आपसे कुछ पूछ दूसरा पूछ दिया जाए, तो उसको आप अच्छे से रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एफ सच डे जी टू जी डैस इज होमोमॉर्फिज्म देन कर्नल ऑफ एफ में उसके क्या आइडेंटिटी है, इफ एंड ओनली इफ। तो ये तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर ये होमोमॉर्फिज्म बन रहा है, उसके कर्नल में आइडेंटिटी बन एलिमेंट है तो वो वन वन होता है, एफ क्या होता है वन वन होता है, अगर वन वन है तो उसके कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। दोनों कन्वर्स ट्रू होते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं लो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 30 देखिए, स्टेटमेंट है ये भी 30, इफ अ सब ग्रुप एन ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, यानी कोई भी ग्रुप है उसका सब ग्रुप अगर एन है तो ये इस एन को कब बोलेंगे कि वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, कब बोलते हैं,
तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट कोसेट सेटिस्फाई करता है। तो वो नियर कई डिफिनेशन है, सब एक ही करके डिफिनेशन हम देखेंगे। अगर कोई हमारे पास ग्रुप है उसका सब ग्रुप अगर एन है तो एन को कब बोलेंगे कि वो जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। इफ एंड ओनली इफ एन ए इजकल टू ए एन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, यानी लेफ्ट एंड राइट कोसेट उसका इक्वल हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। इसीलिए बी हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, सी इनकरेक्ट हो जाएगा और डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 31 देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। देन कोई ग्रुप हमारे पास जी है जिसके आइडेंटिटी क्या है, स्मॉल ई है। तो देखिए कोई भी ग्रुप है जी और उसकी आइडेंटिटी ई है, जी जो होता है हमारा ये भी नॉर्मल सब ग्रुप खुद इट्सेल्फ बनाता है और आइडेंटिटी भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यानी कोई भी ग्रुप जी दिया है तो उसके क्लियर है कि दो नॉर्मल सब ग्रुप मिलने ही मिलने, एक तो खुद जी मिलेगा और दूसरा इसकी आइडेंटिटी मिलेगी। तो जी और आइडेंटिटी जो है इसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो पहला ऑप्शन जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्लियर है, इट्सेल्फ नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। अरे हर ग्रुप का जो सब ग्रुप बनता है वो क्या होता है, उसका सब ग्रुप बनेगा, इससे सब ग्रुप बनेगा तो नॉर्मल भी बनेगा और ई जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में लेट जी बी अ ग्रुप एंड जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी ग्रुप है और जी खुद का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो उस जी को हम क्या कहते हैं, उस जी को क्या कहते हैं, उस जी को प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। कोई भी जी हमारा कोई ग्रुप है तो हर ग्रुप जो है अपने आप का सब ग्रुप होता है। तो सब ग्रुप है तो उसका एक क्या है जी, ये अपने आप का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है। तो इस जी को हम क्या कहते हैं, इस जी को हम प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी और डी क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 देखिए, 33 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कि कोई ग्रुप जी है उसकी आइडेंटिटी जो है अगर नॉर्मल सब ग्रुप बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ई को हम क्या कहते हैं। यानी कोई ग्रुप हमारे पास जी है तो उसका अगर नॉर्मल सब ग्रुप हमें मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको हम ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप। तो अभी आज दो चीज़ें आपने अभी यहाँ से जाना कि अगर कोई ग्रुप जी है तो खुद जी भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है और आइडेंटिटी भी उसकी क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है और सब ग्रुप भी होता है। इस जी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं और ई को क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे, तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34 पे चलिए। तो 34 में क्या कह रहा है कि अ ग्रुप डज नॉट हैव नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन टू ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप इट इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, कोई अगर ग्रुप हमारे पास है और उसके पास क्या मिल रहा है, डज नॉट हैव नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन टू ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, ट्रिवियल के अलावा कोई उसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस नॉर्मल सब ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल ग्रुप। ये ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी ग्रुप हमारे पास जी है उसके सिर्फ दो नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है, एक खुद जी मिल रहा है, एक आइडेंटिटी मिल रही है, दो ही मिल रहे हैं। तो इस
ग्रुप को हम कहते हैं सिंपल ग्रुप कहते हैं, क्या बोलते हैं सिंपल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। 35 देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 35 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। भाई ये तो ट्रू है, जितने भी सब ग्रुप होते हैं अबेलियन ग्रुप के वो नॉर्मल होते हैं। ये एकदम आप एकदम रट लीजिए कि जितने भी अबेलियन ग्रुप होते हैं उनको जितने सब ग्रुप होंगे वो सब के सब क्या होते हैं नॉर्मल होते हैं। दूसरा कह रहा है एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। ऑब्वियस है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है उसके जितने सब ग्रुप मिलेंगे वो सब के सब क्या होंगे नॉर्मल होंगे। चौथा है सब ग्रुप एन ऑफ जी ई इज नॉर्मल। अगर यहाँ पर एन कह रहा है सब ग्रुप है जी का नॉर्मल कब होगा, इफ ओनली इफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, फॉर एवरी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। एक ये भी क्या है डिफिनीशन है नॉर्मल सब ग्रुप का कि किसी ग्रुप के एक सब ग्रुप को नॉर्मल हम कब कहेंगे, जब उस सब ग्रुप से एक एलिमेंट स्मॉल एन लिया जाए और ग्रुप से कोई भी एलिमेंट जो है आप ए ले सकते हैं, तो ए एन ए इनवर्स ये जब आप निकाल रहे हैं तो वो सब ग्रुप के अंदर ही बिलोंग करता हो, इस केस में जो है हमारा एन क्या हो जाएगा सन्नामा सब ग्रुप हो जाएगा। तो इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट, इसलिए ऑल ऑफ एबव पे ये ट्रू हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। अगर यहाँ पर फाल्स पूछता तब आपको समस्या होती, तब आपको उसमें देखना पड़ता, लेकिन ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट हैं, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा इससे। तो इसको अच्छे से लिख के आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको समझ लीजिए कि जितने भी इसमें स्टेटमेंट कराए जाएंगे उसको आप एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक थैंक यू, बाय बाय।